हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं ब्रेड रोल। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो आप मेरी सिंपल ब्रेड रोल की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज ये सिंपल ब्रेड रोल की रेसिपी को शुरू करते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने लिया है वाइट ब्रेड के स्लाइसेस। आप इसमें सैंडविच वाले ब्रेड यूज़ करें और ब्राउन ब्रेड बिल्कुल नहीं यूज़ करें इस रेसिपी में। मसाला बनाने के लिए मैंने लिया 6 उबले हुए आलू। प्रेशर कुकर में 2 सीटी में उबाल लिया है मैंने इसे। फ्रेश या फ्रोज़न मटर 25 ग्राम के करीब। 10 से 12 काजू ले लें, आप इसकी जगह पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, 2 इंच अदरक का टुकड़ा घिसा हुआ, 10 से 12 लहसुन घिसा हुआ। तेल हम लेंगे मसाला को बनाने के लिए और ब्रेड रोल को तलने के लिए। 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर लेंगे 1 छोटा चम्मच, तवे को जीरे पे सेक के ग्राइंड कर लें। गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ले लेंगे। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे, तो इसे ऐसे पोटैटो मैशर से मैश कर लें, आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह मैश किया मैंने, ये देखिए। अब हम इसे अलग रख देंगे और चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो गैस पे मैंने कढ़ाई गरम किया है, तेल डाल देंगे इसमें। तेल को अच्छी तरह गरम होने दें और उसके बाद हम इसमें ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। इन तीनों को मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक फ्राई करें, बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि अदरक लहसुन वगैरह जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो इसमें हम ये पीस डाल देंगे, यानी हरे मटर मिला दें इसे। मटर को भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे और ये मटर भी फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल दें, याद रखिए हमने हरी मिर्च भी यूज़ किया है। मिला दें हल्दी और लाल मिर्च को अच्छी तरह, कुछ सेकंड्स के लिए इसे पका ले तेल में। कैश्यू भी डाल दें यहीं पे, आप चाहे तो पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। और बस इसे कम से कम 30 सेकंड के लिए पकने दें। बस इसे हमने थोड़ा सा पका लिया है, तो हम क्या करेंगे, जो आलू हमने मैश करके रखा है वो डाल देंगे। और आलू को मिला दें मसालों में अच्छी तरह, जैसे हमने समोसा के लिए बनाया था ठीक उसी तरह सेम प्रोसेस से आप इसे बनाएं। और ये मैंने मसाले को मिला दिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दें, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, गैस का फ्लेम कम कर दें और इन मसालों को आलू में अच्छी तरह मिला दें। और ये मैंने मिला दिया है, अब हम लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे कि आलू जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, मसाले भी अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं आलू में। तो बस इसे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, ये देखिए गैस को ऑफ कर दें यहाँ पे। और अब हम इसमें ये बारीक कटे हुए धनिया पत्ता डाल देंगे, मिला दें धनिया पत्ता को। और ये हमारा स्टफिंग जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम इस मसाले को छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मसाला ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा प्लेट में मैंने पानी दिया है और यहाँ पे ये ब्रेड लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेड के एजेस को काट लेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ब्रेड लिया है और ये मैंने ब्रेड के एजेस को काट लिया है, जो ब्राउन पार्ट है वो निकाल दें। ये देखिए ऐसे ठीक इसी तरह चारों ब्रेड के एजेस को हम कट कर लेंगे। और
ये मैंने इसे काट लिया है, अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ब्रेड को क्या करेंगे कि ये जो पानी रखा है मैंने, इसमें ऐसे हल्का सा डिप करें और फिर अपने हथेलियों से ऐसे स्क्वीज़ करें, इसे अच्छी तरह हथेलियों के बीच में रख के दबाएं ताकि जो इसमें पानी है वो निकल जाए। ध्यान रहे ब्रेड जो है वो टूटे नहीं। ये देखिए, अब हम इसके बीच में स्टफिंग रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 छोटे चम्मच रखा है मसाला, और फिर इसे रोल कर दें। ब्रेड जब तक गीला है तो ये रोल जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। ये देखिए, इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये तेल में खुलेगा भी नहीं। बस इसे रोल करने का जो प्रोसेस है वो आप ध्यान से देखें। ये देखिए, अगर थोड़ा भी कहीं पे खुला हुआ दिखे तो आप उसे अपने ऐसे दबा के और फिर वापस इसे रोल करें। ये देखिए, और इसे हम ब्रेड रोल का शेप दे देंगे। तो ये हमारा पहला ब्रेड रोल तैयार हो गया। इसे अलग प्लेट में रख दें और ठीक इसी तरह हम बाकी के ब्रेड रोल भी बना लेंगे। ये देखिए, पानी अच्छी तरह निचोड़ ले, ब्रेड टूटे नहीं। ये देखिए, ब्रेड जो है एकदम सही है। तो इसमें स्टफिंग रख दें और वापस इसे ऐसे फोल्ड कर दें। आप चाहे तो इसे राउंड यानी बॉल शेप में भी बना सकते हैं। और ये मैंने इसे रोल कर लिया है। ये देखिए, बस ये हमारा तीसरा रोल तैयार, और लास्ट का ये ब्रेड रोल भी ऐसे ही बना लें। ध्यान रहे ब्रेड को पानी में ज़्यादा देर के लिए ना डुबाएं, बस उसे पानी में ऐसे डुबाएं और तुरंत निकाल लें, नहीं तो ब्रेड जो है वो टूटने लगेगा। और इसे ऐसे प्रेस करते वक्त भी सावधानी रखें, पूरे हथेलियों में फैला कर उसे ऐसे स्क्वीज़ करें। ये देखिए, वापस इसमें स्टफिंग भरें और फिर इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। बस चारों किनारों को सील करके और फिर ऐसे रोल करते रहें। ये देखिए, तो ये हमने 4 ब्रेड रोल बना लिया है। इसे हम प्लेट में रख देंगे। अब हम चलते हैं इसे तलने के लिए। तो इसे तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके रखा है पहले से। इस तेल में मैंने समोसा तला था इसके पहले, तो इसमें हम ये ब्रेड रोल डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है इसे फ्राई करते वक्त। इसे हाई फ्लेम पे ना फ्राई करें, नहीं तो ब्रेड का जो ऊपर का लेयर है वो तुरंत ही ब्राउन हो जाएगा और भीतर से वो पकेगा नहीं। तो इसे या तो लो मीडियम या मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करें। थोड़ी देर बाद हम इसे पलट देंगे और ठीक इसी तरह पलट पलट के हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गैस का फ्लेम लो मीडियम या फिर मीडियम रखें। और आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। बस थोड़ा सा और पका लेंगे और बस ये ब्रेड रोल अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अगर आपको इसके ऊपर की लेयर थोड़ी सी और क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ी देर और फ्राई करें, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेड रोल चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो हम इसे किचन टॉवल पर निकाल लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो आपने देखा ये ब्रेड रोल बनाना कितना आसान है, और आप इसके भीतर अपने मनपसंद की स्टफिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इस ब्रेड रोल को हरी चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।